हेलो क्लास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पार्ट 30 में थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी में लास्ट टाइप की जो थ्योरी है साइकोडायनामिक थ्योरी जिसको सिगमंड फ्रॉयड ने दिया है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें इन्होंने ये बताया है, देखिए अगर आप शुरुआत से देखिए तो लिखा है दिस थ्योरी एम्फसाइज़ेस द इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस माइंड एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब ये मान के चलता है कि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है और आपके बचपन का जो एक्सपीरियंस है उसका आपके जीवन आपकी जो पर्सनालिटी शेप अप होगी उसके ऊपर बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है। और फ्रीडियन थ्योरी जो साइकोडायनामिक थ्योरी है ये कहती है सिगमंड फ्रॉयड द फादर ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी प्रपोज दैट एवरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी। इनका ये कहना था कि हर इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है वो स्ट्रगल होती है, तीन फोर्सेज उसके में हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, जिसको इन्होंने कहा कि एक आईडी है, एक ईगो है और एक सुपर ईगो है। आईडी क्या है? आईडी में उन्होंने बोला द आईडी इज द सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इनबॉर्न ड्राइव्स एंड अर्ज सच एज एग्रेशन। मतलब कि वो इनबॉर्न ड्राइव्स और अर्ज है, जैसे कि कोई आदमी किसी चीज को बहुत एग्रेसिव हो जाता है या और किसी चीज के लिए। इट एक्ट टू अवॉइड टेंशन एंड सीक इमीडिएट प्रेजेंट। टेंशन को अवॉइड करने के लिए और थोड़े देर के लिए इमीडिएट प्रेजेंट उससे उसको मिलता है। इट टेंड टू ऑपरेट ऑन अ वेरी सब्जेक्टिव एंड अनकॉन्शियस लेवल। होगा कब कैसे होगा वो उसको खुद भी नहीं पता रहता, ठीक है। इट इज समटाइम्स नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। ऑब्वियसली बात है आप किसी के ऊपर गुस्सा होंगे, आपको तो हो सकता है आप गुस्सा आगे थोड़ा देर आपको शांति मिल जाए, लेकिन कोई दूसरा जिसके ऊपर गुस्सा आए वो कोई जरूरी नहीं कि वो बड़ा खुश हो जाएगा आपके गुस्साने से, वो भी हो सकता है उल्टा कर दे तब फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। फिर ईगो है, इट कम्स इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ आईडी। इसमें कमियां हैं इस वजह से ये शुरू होगा। एंड डीलिंग विद द रियल वर्ड्स, जो वास्तविक है वर्ड उससे देखेंगे। इट ऑपरेट व्हाट इज कॉल्ड रियलिटी, जिसको रियलिटी कहते हैं। प्रिंसिपल इट विल बी इफेक्टिवली डायरेक्टेड एट कोपिंग विद एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम लोग को कैसे देखना चाहिए, कैसे मानना चाहिए, उससे डील करने के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है। लास्ट आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? इट रिप्रेजेंट सोसाइटियल एंड पर्सनल नॉर्म, जो सोसाइटी का है और आपका है उसको दोनों के नाम के। इट प्रोवाइड नॉर्म्स टू ईगो टू डिटरमाइन व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट। ये ईगो को नॉर्म बताता है कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है, मतलब गुस्सा कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये इसको भी डायरेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम सुपर ईगो है, ठीक है। तो ये साइकोडायनामिक थ्योरी लास्ट थ्योरी थी पर्सनालिटीज की। अब ये पॉइंट इसका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में होगा। ओके, थैंक यू।